कार्बोहाइड्रेट्स एमिनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो एज द नेम सजेस्ट कार्बो कार्बो हमें किसके बारे में बता रहा है कार्बन के बारे में हाइड्रेट किसके बारे में बता रहा है पानी के बारे में तो कैन वी से कार्बोहाइड्रेटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजनो तो अब हम जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो सी एक्स एच टू ओ होल वाई रहता है फॉर एग्जाम्पल सी सिक्स एच टी कैन राइट दिस होल इसी तरीके से हम सुक्रोज के लिए भी लिख सकते हैं सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन सी टू ओ होल इलेवन और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो ये बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं ओके पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ बहुत सारे ओ ग्रुप प्रेजेंट है ओएच ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड्स और कीटोनस या तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा या सी डबल बॉन्ड ओ एच रहेगा और साथ में बहुत सारे ओएच ग्रुप्स रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोस की बात करूं तो ग्लूकोस क्या होता है सी6 एच12 सिक्स इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने पर आऊं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सी एच टू ओ एच कार्बन 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी एच ओ ओच ओ एच ओ एच ओ एच जनरलाइज स्ट्रक्चर राइट तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बहुत सारे हमें OH जगह भी रह सकता है नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज से दूसरा नाम है अब जब हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोल रहे हैं तो हम आगे कार्बोहाइड्रेट एंड सैक्राइड्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं तो लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसको हम अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स लेट्स हैव ब्रीफिंग एंड देन वी विल स्टडी इन डिटेल मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ एक यूनिट होती है ओलिगोसैकेराइड्स में 2 टू 9 यूनिट्स होती हैं और पॉलीसेकेराइड्स में टेन प्लस यूनिट्स होते हैं कैसे हम आगे देखेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स की मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स विथ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यहां पर ये सिंगल यूनिट से बना होता है फाइन और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन ओ एन टाइप का होता है कुछ एक्सेप्शन रह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तो है पर सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी केटन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यूज हो रहा है अब हम बात करेंगे की ऑलिगोसेराइड आ उससे पहले मोनोसेकेराइड्स जितने भी होते हैं उनको हम शुगर्स कंसीडर करते हैं ऑलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं वो दे में वेरी फ्रॉम टू टू नाइन यूनिट्स तो हम कह सकते हैं कि टू टू नाइन यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड बनाएंगे एक ऑलिगोसेकेराइड फॉर एग्जाम्पल और हाँ मोर ओवर अगर दो यूनिट से बन रहे हैं तो तीन से बन रहे मेरे पास है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये किससे बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से दो यूनिट से बनकर ये सुक्रोज बना तो इसको हम बोलेंगे ओलिगो

number of monosaccharides fine for example we have starch we have cellulose we have glycogen bohots are examples many polymers are the part of polysaccharides biomolecule then if i talk about starch starch is a type of a polymer then it is made up of n number of glucose

जो हाइड्रोपॉलीसैकेराइड्स होंगे वो एक से ज्यादा टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेंगे इसके बाद एज वी नो मैंने पहले भी बताया मोनोगो मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स ये दोनों मिलाकर शुगर कहलाए जाते हैं लेकिन पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम वीरा कुमार चौधरी योर फिजिक्स टीचर मुझे कुछ बातें मुझे बतानी है आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अन अकेडमी पे बहुत ही जल्दी ठीक है ना इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था लेकिन पॉपुलर डिमांड पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया है यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है ठीक है ना तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो ठीक है ना तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल ठीक है बच्चों तो एक ऑफर और आई आई का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर इसमें क्या है अगर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको टू मंथ का फ्री मिलता है और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको टू का फ्री मिलता है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ठीक है बच्चों तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है टू मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है ठीक है ना तो पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैप कर लीजिए ओके आईआईटीजे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है बच्चों अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे ठीक है ना स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो ठीक है ना जो कि ट्वेल्व मंथ का एटीन मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है समझ लीजिए आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे ठीक नेक्स्ट देखिए ओके क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं जो कि 14 टू 15 अगस्त को होना है ठीक है ना और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा जो कि ट्वेल्थ जुलाई से डेली हो रहा है ठीक है बच्चों? इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं अगर आप टॉप टू में एग्जिस्ट करते, है करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अल अकेडमी स्पॉन्सर करेगा ठीक है बच्चों जो बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी ठीक है नेक्स्ट अगर आप वन टू टेन रैंक में आते हो ठीक है ना तो आपको मैकबुक मिलेगा और अगर आप 11 टू 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको और 51 से लेके 100 रैंक तक को amazon के वाउचर्स भी मिलेंगे ठीक है बच्चों तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है एस सून एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडीजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है ठीक है बच्चों तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो एन के सी सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है बच्चों थैंक यू अब हम बात करेंगे एक मोनोसेकेराइड के बारे में जो कि है ग्लूकोज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोला जा सकता है और ग्रेप शुगर भी बोला जा सकता है और जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे केन शुगर का ग्लूकोज इज जनरली ऑब्टेन बाय केन शुगर केन शुगर तो इसका जब भी हम हाइड्रोलिस करेंगे अल्कोहल की प्रेजेंस में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर बट इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ

तो OH ग्रुप को आपने एल्कोहल चैप्टर में देखा था कि PCl5 की प्रेजेंस में OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय बाय क्लोरीन सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे कि जितने भी OH ग्रुप हैं वो सब क्लोरीन से रिप्लेस हो गए पेंटाक्लोरो ग्लूकोस फाइन नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है एसिटिक एनहाइड्राइड में हमें मेनली जो ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है सी सी एच थ्री तो यहाँ पर क्या हो रहा है जितने भी ओ OH एच ग्रुप है उन सबको कौन रिप्लेस कर रहा है सीओ ओओ सी एच थ्री फाइन आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट रिडक्शन अभी तो हम क्या कर रहे थे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे हमें करना है रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में सोडियम एच जी की प्रेजेंस में तो जब हम रिडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो अल्कोहल ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो सी एच ओ ग्रुप है कार्बोनल ग्रुप है फेलिंग्स टेस्ट भी बोला जा सकता है आप ये देखोगे कि जब हमने CuO के साथ रिएक्शन करवाया तो जो CHO ग्रुप है इट विल टर्न इनटू COOH ग्रुप इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड फेलिंग्स टेस्ट के साथ साथ हमें और हमें मिलेगा रेड पीपीटी नेक्स्ट आता है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट हम किससे करते हैं? Ag2O से। Ag2O डाला, फिर से वही चीज होगी, ऑक्सीडेशन होगा और CHO ग्रुप विल टर्न इनटू COOH ग्रुप एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। टॉलेंस टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होगा इस सॉल्यूशन के सरफेस पे एक सिल्वर कोटिंग आ जाएगी जिसको हम बोल विच बी विजिबल टू आस लाइक अ मिरर, तो वी कैन कॉल इट एज सिल्वर मिरर टेस्ट एज वेल सिल्वर मिरर टेस्ट ओके इसके बाद आता है रिएक्शन विद एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें करवाएं जाएगी, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन ही देख रहे हैं और इसमें टर्मिनल कार्बन दोनों के जो ऑक्सीडेशन है जैसे सी एच टू ओ एच एज वेल एस सी एच ओ दोनों का ऑक्सीडेशन होके सीओ ग्रुप बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा दिस इज आल्सो नोन एज ग्लुकेरिक एसिड और सैकेरिक एसिड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस हमने ग्लूकोस देखा ग्लूकोस फ्रक्टोज होते हैं हमें केमिकल फॉर्मूला पता है केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा रिडक्शन करेंगे तो क्या हुआ अब बात आती है स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप वो जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली उसमें रहता है सी एच ओ हा सी ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच वन हाँ और यहाँ पर एच राइट अब कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये ओपन चेन टाइप का स्ट्रक्चर है तो किसकी बात को सच माना जाए तो जब देखा जाएगा तो ये देखेंगे कि वो कौन सा टेस्ट दे रहा है अगर वहां पर CHO ग्रुप चेन फॉर्म में नहीं है फ्री है तो एल्डिहाइड के टेस्ट देना चाहिए राइट और यहां पर अगर मैं और भी दूसरे टेस्ट देने चाहिए तो अलग-अलग साइंटिस्ट -अलग ने या अलग-अलग तरीके से हमें प्रूफ मिले कि ये ओपन चेन टाइप का स्ट्रक्चर भी हो सकता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है तो आइए देखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है ओपन चेन स्ट्रक्चर होने का मेन रीजन है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोस विद एचआई एचआई के साथ रिएक्ट करता है और हेक्सेन देता है ये सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है हाइड्रोक्सिल अमीन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर एचसीएम के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बना रहा है ये भी ओपन चेन का स्ट्रक्चर है तो इससे हमें ये पता लगा कि ओपन चेन है इतने में अगला टेस्ट आए कि एल्डिहाइड का जब टेस्ट करना था तो देखा गया कि ये NaHSO3 और NH3 दोनों के साथ रिएक्शन शो कर रहा है रिएक्शन शो कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ग्रुप की प्रेजेंस के तो डेट इज सिंबल ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इसको नहीं करना चाहिए था द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद रिएजेंट रियजेंट रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है दैट मीन्स सी एच ओ ग्रुप फ्री प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है तो अगेन इट इज ऑफ साइक् चेन स्ट्रक्चर तो ये बोला गया कि जितने भी नेगेटिव टेस्ट आते हैं एल डी हाइट के शिफ्ट बेस के साथ और कुछ और तरीके होते हैं तो उस, उन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की तरह भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर की तरह कैसे भी एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्विलिब्रियम में यहाँ जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन इट इज समवट लाइक दिस हमने देखा था C H डबल बॉन्ड O C OH, 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 ओ एच ओ एच वन टू थ्री फोर यहां पर H नहीं आएगा C, OH, H, 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 H. तो यहां पर क्या हो रहा है ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर पहले तो H था अब ये एच हटेगा और ये आ जाएगा यहां पर जिससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर अब बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा ओ एच एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच One, two, three, four. यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा ये ज्वाइन हो जाएगा जाके इस कार्बन से सो दिस टाइप ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर वुड बी फॉर्म और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ सम वट लाइक दिस

ये क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ऑप्टेन होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर लेकिन अगर अल्फा एनोमर या बीटा एनोमर या दोनों को साथ में एनी इसको अकेला ऐसे इस मिक्सचर को स्टैंड करने के लिए छोड़ दिया जाए ऐसी रखा रहने दें तो इसमें अपने आप ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनने लगता है और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाता है तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस एंड रीच इज अस्टेंट वैल्यू जिसमें ये इन दोनों के बीच का कुछ होगा ये दोनों के साथ में करते हैं डायसेकेराइट लेट्स रिकॉल डायसेराइट क्या होते थे डायसेकेराइट्स फॉर एग्जाम्पल एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें सुक्रोज मिलेगा अब ये जो शुगर हमें मिल रही हैं, एज वी नो याद करो ये पढ़ाया गया था कि मोनोसेकेराइड और दीज आर शुगर्स, और आर एंड नॉन शुगर्स बट इन डायसेराइड्स शुगर्स कैन बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डिपेंडिंग अपॉन देर लिंकेज तो अगर मैं बात सुक्रोज की तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, बीटा डी फ्रक्टोज से बना है। यहां पर जो आपस में लिंकेज हो रही है वो कार्बन वन और कार्बन टू की हो रही है For example, यहाँ पर कार्बन वन था और यहां पर कार्बन टू था इनके बीच में जो लिंकेज हुई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज फाइन नेक्स्ट आता है लैक्टोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है और बीटा डी गैलेक्टोज है इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन की से हो रही है फॉर एग्जाम्पल वी विल हैव लैक्टोज यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर फोर्थ कार्बन है फाइन इन दोनों के बीच में लिंकेज हो रही है ठीक है नेक्स्ट आता है माल्टोस माल्टोस में अल्फा डी ग्लूकोस है अल्फा डी ग्लूकोस है बॉन्डिंग कैसे हो रही है C1 और C4 से इस तरीके से अब इन सब में डिफरेंस कहां आ रहा है डिफरेंस आ रहा है कि अगर हमारे पास कौन सा ग्रुप कहां पर अवेलेबल है ताकि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर सके सो दिस अबाउट पॉलीसे आपस में मिलकर एक लिंकेज बनाते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज से अटैच होते हैं और एक तरीके से पॉलिमरमेरिक चेन बना लेते हैं फाइन तो सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टार्च स्टार्च की बात करें तो इसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे बना है माल्टोस से माल्टोस क्या हमारे पास मोनोसैकेराइड है नो माल्टोस खुद एक डाइसैकेराइड है वो किससे बना है डी ग्लूकोस से फाइन अब हम स्टार्च की प्रॉपर्टी देखें तो स्टार्च डस नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन्स रिएजेंट

ग्लूकोज और यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस टाइप की होती है C1 और C4 में नेक्स्ट आता है सेलुलोज डज नॉट प्रोड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स टेस्ट ये भी कोई फेलिंग्स टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है लेट्स टॉक अबाउट एमिनो एसिड्स इफ आई टॉक अबाउट एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स का बायोमोलिक्यूल्स में क्या काम है तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं ऐसा बहुत ज्यादा बोला जाता है कि प्रोटीन्स खाने चाहिए ग्रोथ के लिए जरूरी है एन ऑल दैट स्टफ। तो प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेनली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स।

एमिनो एसिड्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एमिनो मतलब एमाइन ग्रुप NH2 फाइन एसिड मतलब COOH ग्रुप अगर मेरे पास किसी कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है तो हम उसको बोलेंगे एमिनो एसिड्स वहीं पर अगर एक ही कंपाउंड में दो दो एमिनो ग्रुप हो जाएं और एक ही सीओओ कार्बोक्सिल ग्रुप रहे तो हम उसको बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड अगर हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएं और एक सिंगल बेसिक ग्रुप रहे तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड और अगर हमारे पास एक ही अमीनो ग्रुप रहे एक ही एसिड सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप रहे तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि हमारे पास लाइजीन है लाइजीन में हम देखेंगे NH3+ ग्रुप है NH3+ ग्रुप है और COO- ग्रुप है तो ये थोड़ा आयनाइज्ड है तो इसको हम कह सकते इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो आइनाइज रहेगा इसको हम बोलेंगे बेसिक एमिनो ग्रुप लाइसिन इसके बाद आता है वैलिन वैलिन में अगर मेरे पास नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप है एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो ग्रुप तो हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड ऑन द अदर हैंड मेरे पास एस्पार्टिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो ग्रुप है तो दिस विल बी नोन एज एसिडिक अमीनो अब बात आती हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स है क्या प्रोटीन्स एसिड्स के साथ बनते हैं कैसे बनते हैं इनकी जो आपस में जो भी लिंकेज होती है हम उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड अब बात आती है कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन्स नहीं है प्रोटीन्स का मतलब है बेसिकली सिंपली प्रॉपर एमिनो एसिड्स इन राइट कंटेंट एंड जो हमें रिक्वायर्ड है वही अमीनो एसिड्स होने चाहिए कोई और नहीं होने चाहिए और अगर नहीं है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स कैन कॉज डिजीजेस लाइक को फाइन

एंड प्राइमरी रहते हैं तो डेट इज अबाउट तो हमने देखा प्रोटीन्स के बारे में हमने बात की उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट आता है एंजाइम्स

तुम्हारे पास खाना है हम आज खाना खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो कल तक खाना डाइजेस्ट हो जाएगा ठीक है कुछ बहुत ही कचरा खा लिया तो शायद परसों तक हो जाए बट क्या वही खाना अगर हम बाहर रख दें तो उसी स्पीड से डाउन हो सकता है या फॉर इंस्टेंस मैंने एक टमाटर लिया टमाटर ऐसा सलाद खाया मोस्ट प्रोब्ली वो कल तक डाइजेस्ट हो जाएगा हो सकता है आज ही हो जाए लेकिन क्या वो टमाटर जब मैंने किचन में रखे रहने दिया तो वो कल तक सड़ जाएगा नो इट विल टेक डेज टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन तो कैन आई से मेरी बॉडी में एंजाइम्स कैटलिस्ट काम कर रहे हैं मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को from, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पीड अप कर रहे हैं ताकि मैं अच्छे से डाइजेस्ट कर सकूं खाना तो इज वाई मेरी बॉडी में जो एक टमाटर है वो कल तक डाइजेस्ट हो जा रहा है अदरवाइज बाहर रखे रखे तो उसको बहुत दिन लग जाएंगे कंप्लीटली डाउन होने में

उनको अपना टारगेट पता रहता है तो ईच एंजाइम कैटालाइजस ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं है कि दूसरी रिएक्शन में भी जाकर झांक लेते हैं पड़ोसी पड़ोसी नहीं खेलते हैं दे आर एक्टिव एट मॉडरेट टेंपरेचर एंड पीएच आपने बहुत बार देखा होगा कि जब एसिडिटी हो जाती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है या कुछ 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 अजीब सी चीजें होती हैं बॉडी में तो कहना है कि जब हमारी बॉडी की पीएच में गड़बड़ आई तो उससे कुछ एंजाइम्स प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहे थे इस वजह से वी तो जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी पीएच और टेम्परेचर पर एक्ट करते हैं Next is action of enzymes are inhibited by various organic and inorganic molecules. वहां पर बहुत सारे जैसे तुमने सुना होगा कि हमारी बॉडी में वाइटमिन चाहिए मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स जरूरी होते हैं ताकि वो एंजाइम्स प्रॉपरली उनकी प्रेजेंस में अपना काम कर सके फाइन सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियो

और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो बेसिकली तीन चीजों से बने रहते हैं पहला होता है एक नाइट्रोजीनियस बेस दूसरा होता है एक पेंटोस शुगर जिसमें पांच कार्बन ग्रुप होते हैं और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि अल्टीमेटली किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स uh, को बताता है The structure is somewhat like this, जैसे ये DNA का का है। यहां पर आप छोटे-छोटे देखोगे अब फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड्स का फंक्शन क्या है ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है मतलब आई एम मोर लाइक माई फादर मदर एंड

लेकिन हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है और बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं जब बहुत पहले किसी जमाने में वाइटमिन वाइटल बाद में देखा गया वो दूसरे भी हो सकते हैं। अब अगर मैं vitamins की बात करूं, और इनकी डेफिशिएंसी कैन कॉज be अपार्ट फ्रॉम दैट दो टाइप के हो सकते हैं या तो वो वाटर सॉल्युबल होंगे या फैट सॉल्युबल होंगे वाटर वॉटर मेनली वाइटामिन बी एंड सी होते हैं जैसे कि नींबू नींबू में वाइटामिन सी होता है इट इज वाटर और डी डी ए के एंड ई आर फैट सोल यू मस्ट हैव कि जो वाइटामिन डी विच इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स कि हम देखते हैं वाइटामिन डी कम है वाइटामिन डी कम है जब इसके सोर्स की बात करेंगे तो हमें जनरली वेज सोर्स वाइटामिन डी में नहीं मिलता है it is mainly, uh, like liver oils, seafood में मिलता है। तो, तो सी होगा फाइन सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मॉलिक्यूल्स आइए अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ सालों में आए हैं So let's practice some previous year questions first of all if i talk about question number 1 question number 1 is which of the following statement is not true about rna pehla statement it controls the synthesis of proteins yes ye biosynthesis mein nucleic acids kaam karte hain ye bilkul sahi hai it has always double stranded alpha helix structure no ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता It usually does not replicate. ये replicate नहीं करता है तभी तो हर इंडिविजुअल का DNA, RNA सब अलग रहता है। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ये बात भी गलत है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इट ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड ये एक गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली अगर मैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूं तो वो क्या रहेगा सी एच ओ सी एच सी एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच ch2oh तो कैन आई से यहां पर जो स्टीरियो सेंटर है जहां पर अलग-अलग ग्रुप्स -अलग मिल रहे हैं कारल सेंटर्स कौन से हैं 1 2 3 4 सो कैन आई से दैट ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर में चार स्टीरियो सेंटर्स हैं तो आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है लेट्स मूव टू द साइक्लिक पार्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अब देखो जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 एंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के पास सी एच टू ओ एच होता है ओ एच ओ एच एच ओ एच और यहाँ पे भी ओ एच राइट अब इसको ध्यान से घूरो और सोचो कि फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन तो कितने कारल सेंटर्स हुए या सेंटर्स हुए पांच तो आंसर हो जाएगा ए फोर एंड फाइव अंडरस्ट एनी डाउट कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन बता रही हूँ तो आप वीडियो पॉज कीजिए, कीजिए. उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश वीडियो लुक एट क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन ट्राई टू सोल्व योर सेल्फ देयर वुक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज में कौन सी लिंकेज होती है लिंकेज प्रेजेंट हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन statement ऑफ not ट्रू अबाउट sucrose? अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पहला

it is a non reducing sugar yes it is on hydrolysis it produces glucose and fructose ye bhi hame pata hai to answer kya ho jayega b reason it is the glycosidic linkages c1 and c2 Next question glucose on prolonged heating with hi gives याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने open chain-like structures के बारे में बताया था ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने ये भी देखा था कि ऑन रिएक्शन विद एच आई इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन तो आंसर हो जाएगा ए वाई बिकॉज इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बिहेव एस अ रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वे सोल्यूशन हम एक्वे सोल्यूशन डाल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं पर सीओओ कार्बोक्सिलना चाहिए तभी तो सीओ टू गैस निकलेगी क्या पहले में है सीओ ओ सी एच ट्री है ठीक है यहां पर नेक्स्ट क्या दूसरे में है नहीं है क्या तीसरे में है नहीं है क्या चौथे में है नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा ए सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स